आज 75वें वर्ष में इस तथाकथित अमृतकाल में मैं ये देख रहा हूं कि गांधी की हत्या करने वालों का महिमा मंडन हो जाता है। ये भी है, ये जो 47 में नींव रखी थी गई थी, उस नींव को मत हिलाइए। उस नींव को हिला दीजिएगा तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी ढा ढा के गिर जाएगी। एक मंत्रिमंडल बनाओ, नाम बदलो मंत्रालय, एक साथ बैठ करके एक बार में हिसाब कर दो। अरे साहब, नाम बदलने से इतिहास बदलता ना, तो नाम बदलने वाले खुद बदल गए, इतिहास नहीं बदला। क्या हम नहीं देख रहे हैं कि हमारे समाज में कटीली दीवारें लगाई जा रही है, कौमों के बीच में बुलडोजर प्रतीक बनता जा रहा है उत्पीड़न का, माइनॉरिटी राइट्स के हनन का। मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं कि ये क्या है, ये तो लॉलीपॉप भी नहीं है, ये जहरीला फल है जो समाज में। सर, स्थिर सरकार वो होती है जो समाज में अस्थिरता पैदा ना होने दे, यहां उल्टा मामला है। दिल्ली के दरबार से नॉर्मैलिसी बोलना और कश्मीर में जाकर के उस नॉर्मैलिसी को महसूस करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। महीनों से वहां बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं बिना नोटिस के। जब तक कश्मीरियों का दिल नहीं जीतोगे, कश्मीर का दिल कभी नहीं जीत पाओगे। जया जी हैं यहाँ, प्लीज प्लीज। नहीं नहीं, एक संदर्भ था इसलिए आप ही से कह रहा हूँ सर, कि एक फिल्म थी कभी कभी, उसमें एक साहिर की बड़ी अच्छी लाइन थी, कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है। तो बाकी जो आगे है वो नहीं कहूँगा क्योंकि संदर्भ दूसरा है, लेकिन कभी कभी मेरे एक दिल में एक ख्याल आता है कि राजनीतिक जिंदगी में अगर हमारी महामहिम राष्ट्रपति खुद से अपना स्पीच लिखने लगे, अभिभाषण, तो शायद ये स्तुति गान ना होता जो इतने पन्नों का मिला है। अब ये कब होगा सर? ये हमेशा से होता रहा होगा, लेकिन कई चीज़ें जो हमेशा से होती रही हैं वो अच्छी हों ये आवश्यक नहीं है। क्यों सर? क्योंकि जमीन की हकीकत और अभिभाषण के तत्व मेल नहीं खाते हैं सर, और ये चिंता का विषय है। मसलन मैं शुरुआत करूं एक छोटी सी चीज से। पैरा 2 कहता है स्थिर सरकार। अरे समाज अस्थिर है तो स्थिर सरकार का क्या करें? उस ऑर्केस्ट्रा में जाकर के हम भी गाना गाएं? समाज में अस्थिरता के लक्षण जहां चले जाइए, क्षेत्रीय आधार पर, धर्म के आधार पर, जातिगत विषमता के आधार पर, इतनी अस्थिरता है और हम स्थिर सरकार का महिमा मंडन करें? सर, स्थिर सरकार वो होती है जो समाज में अस्थिरता पैदा ना होने दे, यहां उल्टा मामला है। ये चिंता का विषय है, इसकी अभिव्यक्ति माननीय राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में नहीं होती है। सर, 370 का जिक्र आया, 370 के जिक्र को मैं, धन्यवाद सभापति महोदय, 370 के जिक्र को मैं थोड़ा चाहता हूं कि एक व्यापक कैनवास पे लें। आजकल ऑथेंटिकेशन की बहुत बात होती है सर, मैं पूरी की पूरी किताब लेके आया हूं, कश्मीर आफ्टर 370, अनुराधा भसीन जी ने लिखी है, कश्मीर टाइम्स की एडिटर रही है। सर, लगातार खबरें आ रही हैं, आप कहते हैं कि नॉर्मैलिसी है। सर, दिल्ली के दरबार से नॉर्मैलिसी बोलना और कश्मीर में जाकर के उस नॉर्मैलिसी को महसूस करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है सर। महीनों से वहां बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है सरकारी जमीन से अतिक्रमण हट रहा है, लेकिन सर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं बिना नोटिस के। मैं बार बार कहता हूं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से, सर कश्मीर को जमीन का टुकड़ा ना समझा जाए, जिंदा लोग बसते हैं, जब तक कश्मीरियों का दिल नहीं जीतोगे, कश्मीर का दिल कभी नहीं जीत पाओगे, चाहे आप लाख कोशिश कर ले। सर, भ्रष्टाचार के बारे में भी कहा गया, तो सर मैं तो सोच के आया था कि ऐसी कोई बात ही नहीं बोलूंगा, अचानक आपको देखा और आप आए, बीच में प्रवेश की, देख कहानी याद आई। एक राजा को तोतों का बड़ा शौक था, कारोबारी तोते रखते थे राजा साहब, तोते का बड़ा शौक था। नहीं, आप बताइए, मुझे देखते ही आपको भ्रष्टाचार की क्यों याद आ गई? नहीं सर, भ्रष्टाचार की नहीं, राजा की याद आ गई। इसको क्लेरिफाई कीजिए। सर, राजा की याद आई। वी हैव अ डिस्टिंग्विश्ड मेंबर हियर फ्रॉम द सेम फ्रेटर्निटी। सर सर, राजा की याद आई। सर सर, तो कई तोते थे उसके पास, लेकिन अचानक उसका स्नेह एक खास तोते के लिए काफी हो गया। गौतमी प्रवृत्ति का तोता था, तो सबको चांदी और स्टील की कटोरी मिली, उस तोते को कनक कटोरी मिली, और तोते से राजा सलाह बहुत लिया करते थे, और तोता सलाह भी देता था, भूत भी ठीक करता था, भविष्य की बात भी करता था।
एक दिन उस तोते के बारे में कोई अनुसंधान आ गया पड़ोस से, उस अनुसंधान के बाद तोता थोड़ा बीमार रहने लगा। अब उस बीमार तोते की वजह से राजा ने भी खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन उस तोते का एक और भाई था जो विनोदी स्वभाव का था। अब उसने फूल नाम की एक कंपनी और एक हां बैंक हुआ करता था। हां बैंक के 48,000 करोड़ उस तोते ने 1,303 करोड़ में केमन आइलैंड पे दे दिया। ये प्राचीन काल की बात है। तो तोता और राजा की कहानी में पिक्चर अभी बाकी है, शेष अगले अंक में, संभवतः बजट में। सर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विशुद्ध राजनीतिकरण होता है, राजनीतिकरण होनी भी चाहिए। लेकिन सर, 2018 से लेकर अब तक जब अभिभाषण में आप कंटेंट एनालिसिस करो तो 43 बार 2014 का जिक्र होता। सर, इतना तो 1947 का जिक्र नहीं होता जब हम आजाद हुए थे। 2014, ये कौन से इतिहास की समझ विकसित कर रहे हैं कि 2014 से पूर्व इस देश में अंधेरा था और 24 में अगर कुछ और हो गया तो देश में सन्नाटा हो जाएगा। सर, शून्य और सन्नाटे के बीच में सर, सर मैं माननीय सभापति महोदय, टॉलरेंस 1952 में बाबू राजेंद्र प्रसाद सर, जयराम जी, अच्छा AXED सर, माननीय सभापति महोदय, मेरे वैसे भी हम लोगों का अच्छा वक्त नहीं चल रहा है, तो मेरे वक्त में 2 मिनट का इजाफा कर दीजिएगा, एक स्पीकर हमारे और होंगे, संभव उनका कट जाएगा। सर प्लीज, मैं क्यों कह रहा था, आप मेरे भावार्थ को नहीं समझे। 2014 सर, इतिहास बोध 2014 से नहीं होगा, फिर क्या कहेंगे 47 में। हम पहली आजादी की वर्षगांठ हमने 48 में मनाई थी सर, तब तक बापू को खो चुके थे। हाँ, आज 75वें वर्ष में इस तथा कथित अमृत काल में मैं ये देख रहा हूं कि गांधी की हत्या करने वालों का महिमा मंडन हो जाता है, ये भी है, ये है। इसके लिए 2014 चिंता का विषय था और कोई नहीं, प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुए, कौन विरोध करेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में कई एनोमलीज आ रही है, विसंगतियां आ रही हैं, उनका जिक्र ना करूं तो पार्लियामेंट फिर किस बात की। सर सर, राजेंद्र बाबू तक टॉलरेंस की बड़ी बात हुई, उनसे लेकर के सहिष्णुता की बात हुई, अब सहिष्णुता शब्द गायब है अभिभाषण से। क्या नहीं चाहिए हमें सहिष्णुता? क्या हम नहीं देख रहे हैं कि हमारे समाज में कटीली दीवारें लगाई जा रही है कौमों के बीच में, बुलडोजर प्रतीक बनता जा रहा उत्पीड़न का, माइनॉरिटी राइट्स के हनन का। ऐसे दौर में सर, ऐसे दौर में टॉलरेंस शब्द का बार बार उखान होना, बयान होना, यह आवश्यक था। टॉलरेंस शब्द को दूर करके यू आर अपियरिंग बेसिकली एज एन इंटॉलरेंट गवर्नमेंट विच इज नॉट इन द ग्रेन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अग्निवीर का जिक्र हुआ सर, अग्निवीर कभी युवाओं से पूछिए कि पूरी जिंदगी जो तुम ये तैयारी कर रहे हो सिर्फ 4 वर्ष के लिए। सर हम सब, मैं नौकरी में हूं सर, मैं नौकरी में हूं इसलिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी है सर, गारंटी है। ये कौन सा निजाम कर रहे हैं सर इस देश में? मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं कि ये क्या है, ये तो लॉलीपॉप भी नहीं है, ये जहरीला फल है जो समाज में है। कभी उन युवाओं से पूछिएगा कि उनको ये 4 वर्ष वाले आइडिया का वो क्या सोचते हैं। सर, लगातार फॉरेन पॉलिसी पर भी मैं देख रहा हूं अभिभाषण चुप सा होता जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी पर बात नहीं होती। सेना की सुप्रीम कमांडर है हमारी राष्ट्रपति जी, सेना के सुप्रीम कमांडर को यह क्या यह अंदेशा नहीं है कि चाइना के बॉर्डर पर हालात उचित नहीं है? मैं माननीय रक्षा मंत्री के बयानों को सुनता हूं तो चिंता होती है, लेकिन डिनाइल है, डिनाइल है सरकार की तरफ से। एक पड़ोसी के लिए तो लाल आंख निकाल देते हैं, दूसरे पड़ोसी के नाम पर आप चुप हो जाते हैं। ऑनरेबल मेंबर, सिक्योरिटी इज अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट एंड यू आर अ प्रोफेसर, वी एक्सपेक्ट सच अ सब्जेक्ट टू बी टेकन अप वेरी सीरियसली एंड लेट इट नॉट बी यूजुअल डिस्कोर्स। I am a student of political science and history. In 1962, when India was at war with China, we had debated that in this parliament. Sir, national security, definition of national security is not the core prerogative of the ruling party. We are equally concerned. Aur main to kahunga ki taraju utha lo na bhai,
आविष्कार करवा लो किसके अंदर कितना पेट्रियोटिज्म है, पता चल जाएगा हकीकत क्या है और फसाना क्या है, अफसाना क्या है। ये मैं कहना चाहता था सर। लगातार बीते वर्षों में अगर मैं कहूं फिलिस्तीन का जिक्र हुआ करता था, हमारे सारे प्रेसिडेंट वाजपेयी जी के टाइम तक फिलिस्तीन पे चुप हो गए। काहे को, क्या वजह है? क्या हम अपनी विदेश नीति में ये ताकत नहीं पैदा कर सकते कि ऑप्रेस्ड कम्युनिटी एनीवेयर इज आर विल शैल हैव आवर कंसर्न? कितना बदल गए हम सर। मैं जानता हूं हिंदुस्तान के नजरिए से देखिए, लेकिन हिंदुस्तान की नजर मत बदलवाइए। जो 47 में नींव रखी थी गई थी, उस नींव को मत हिलाइए। उस नींव को हिला दीजिएगा तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी ढा ढा के गिर जाएगी। ये चिंता का विषय है सर। सो जुडिशियरी, उसके बारे में भी जिक्र था। जुडिशियरी पर आजकल मैं देख रहा हूं 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम के हिसाब से बयान आते रहते हैं सरकार की ओर से। साहब हम सब जानते हैं कि जुडिशियरी में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारा दल राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता लगातार कहते रहे कि वंचित समाज SC ST OBC का जब तक प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा, न्यायपालिका और न्याय दूर रहेंगे हमसे। लेकिन सर मामला बेसिक स्ट्रक्चर पर आ गया और बयान ऐसे आ रहे हैं जिनको न मौलिक की समझ न संरचना की समझ। बेसिक स्ट्रक्चर पर मैं तो और किसी को नहीं कहूंगा, आप आडवाणी जी को देख लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। माननीय प्रेसिडेंट साहिबा के बयान में जातिगत बहुत बातें हुई, SC ST OBC। सर पूरे देश में एक लहर चल रही है जातिगत जनगणना की। आपके भी लोग अब बोलने लगे हैं सत्ता पक्ष के। सर मैं 12वें मिनट में खत्म कर दूंगा, हालांकि 2 मिनट आपको जोड़ना भी था सर, माफी के साथ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा सर कि जातिगत जनगणना के लिए सरकार आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं थोड़ा फायदा होगा। हकीकत देखिए कौन कहां खड़ा है, इसलिए बिहार में हम सर्वेक्षण करवा रहे हैं। प्रेरणा लीजिए ताकि जिनका हक जिन जो वंचित रहे हैं। अब ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट अक्सर आता है, नाम बदलो नाम बदलो। डेली पार्लियामेंट के बाहर कोई पूछता है आज वो फलाना का नाम बदल रहा है। मैंने कहा यार पीस मिल में क्यों करते हो, खुदरा खुदरा कर रहे हो, थोक में करो, थोक में करो। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार शायद होगा, एक मंत्रिमंडल बनाओ, नाम बदलो मंत्रालय, एक साथ बैठ करके एक बार में हिसाब कर दो। अरे साहब नाम बदलने से इतिहास बदलता ना, तो नाम बदलने वाले खुद बदल गए, इतिहास नहीं बदला। हड़प्पा की सभ्यता से लेकर जो कुछ आज तक हुआ इस मुल्क में वो हमारी धमनियों में है, किसी को कमतर मत दिखाइए। और रही बात मुगलों की, आपके अंदर तो एक बहुत बड़ा मुगल है, वो भी बिल्डिंग बनाने का शौकीन था, अभी बहुत शौकीन। खैर एनीवे सर, मैं आखिरी टिप्पणी ये करूंगा आपके समक्ष सर, बिना नाम बताए बता रहा हूं। हम सबल केंद्र चाहते हैं, लेकिन केंद्र की सबलता संविधान से आती है, किसी दल के सत्ता पर एकाधिकार से नहीं आती। यदि केंद्र का व्यवहार न्यायपूर्ण नहीं रहा, यदि दलगत आधार पर प्रदेशों के साथ भेदभाव या पक्षपात किया गया, तो प्रदेशों में केंद्र विरोधी भावनाएं जन्म लेंगी। मैं नहीं सर, अटल जी 74 का भाषण। बस सर आखिरी, कुछ मित्रों ने इसे अनावश्यक कर्मकांड यानी इस बहस को कर्मकांड का, मुझे तो यह सारा दृश्य प्रहसन सा प्रतीत होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण ही नहीं, उस पर होने वाली यह चर्चा करने वाला यह सदन, यह संसद कुछ अर्थों में बेमानी व्यर्थ जन जीवन से कटा हुआ। मैं नहीं अटल जी, ये हमारे लिए आईना सर। आखिरी सर एक जय हिंद तो बोलने दीजिए सर, जय हिंद बोलने दीजिए, 2 मिनट मेरा जोड़ना भी है आपको। सर मैं सिर्फ ये कहूंगा, जय हिंद बोलने से पहले सर ये अवसर होते हैं, सदन में जितने लोग हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन लोकतंत्र नहीं बचेगा ना सर, तो सिर्फ अगर तंत्र बच गया तो कुछ बचेगा नहीं। जय हिंद सर, शुक्रिया बहुत बहुत।